हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमएससी फाइनल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास का लेक्चर नंबर 6 है और द ऑप्टिकल थ्योरम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एमएससी फाइनल का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको ऑप्टिकल थ्योरम में करने क्या वाले हैं, ठीक है। स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ थीटा फाई, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल के लिए होता है, एक इमेजिनरी के लिए होता है। और इमेजिनरी वाला जो पार्ट है ना उसका, किसका, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का, उसको हम टोटल क्रॉस सेक्शन से क्या करेंगे, रिलेशन उसका बताएंगे, आपस में उन दोनों का रिलेशन हम बताएंगे। तो उस वाली बात को यहाँ पर कंप्लीट जब करेंगे तो उसी को कहते हैं हम द ऑप्टिकल थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आ जाओ। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटर्ड वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी और दिस थ्योरम मेजर द स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एज एन इमेजिनरी थ्योरम एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ रियल पार्ट मस्ट बी जीरो। क्या कहना चाहता है कभी, क्या कहना चाहता है कभी, ये कहना चाहता है कि जो ये थ्योरम है वो क्या बताती है आपको, जो एम्पलीट्यूड है ना स्केटेड वेव का, जिसको आप स्केटरिंग एम्पलीट्यूड बोलते हो, वहाँ पे आपको थीटा बराबर क्या लेके चलना है, जीरो डिग्री। तो जो आपकी वेव है वो प्रोपोगेट हो रही है, अध्यारोपित हो रही है, किस पे, थीटा बराबर जीरो डिग्री पे। और जहाँ आपको मिल रहा है इमेजिनरी क्वांटिटी मिल रही है, और दिस थ्योरम मेजर क्या करती है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड को मेजर करती है, कौन सी फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ रियल पार्ट, जो आपके पास में रियल वाला पार्ट है वो मस्ट बी जीरो, वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो फोर थीटा बराबर जीरो के लिए डैट इज ऑप्टिकल थ्योरम मेजर फॉरवर्ड स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, जब ये थीटा बराबर जीरो डिग्री होगा तो ऑप्टिकल जो थ्योरम है उसको आप बोलोगे फॉरवर्ड स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए एफ थीटा कॉमा फाई, ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड हमने पिछली क्लासों में किया है सॉल्व। तो फंक्शन ऑफ थीटा फाई क्या होता है, समेशन एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट, जो एल की जो वैल्यू है वो जीरो से इनफाइनाइट तक होती है, 2L प्लस 1 अपॉन के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल डॉट पी एल कॉस थीटा, ठीक है। ये सब आप यहाँ तक आप जानते हो। अब देखिए इफ थीटा बराबर आपको लेना है जीरो डिग्री, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया आपको कि थीटा को मानना है आपको जीरो डिग्री, डेट इज आपको क्या कहलाएगा, ये फॉरवर्ड स्केटरिंग यही वाला फॉरवर्ड स्केटरिंग। तो कॉस यहाँ पर थीटा है, तो कॉस थीटा की जगह जीरो रखोगे तो ये क्या मान देगा, एक मान देगा आपके लिए वन इसकी वैल्यू। और जब पी एल वन, ठीक है, पी एल वन इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज वन होती है, तो इस वाली वैल्यू के लिए वन के लिए, तो फंक्शन ऑफ थीटा कॉमा फाई बराबर समीशन एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट, इस वाली में देखो आप 2L प्लस वन अपन के ये सेम है, एक्सपोनेंशियल आल्टा डेल इसमें भी चेंज नहीं करना है, साइन डेल्टा एल पी एल और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, एक, तो पी एल वन बराबर वन, तो यहाँ पे ये क्या है, बने हैं, ये लिखा नहीं है। अब आप जानते हो क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा होता है वो कैसे ओपन होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने ओपन किया है एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल को कॉस डेल्टा एल प्लस आयोटा साइन डेल्टा एल, ठीक है। अब देखिए इस वाली जो समीकरण है ये वाली, इसमें इसको रख दीजिए आप मान को, एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल है ना, इसकी जगह ये वाला मान रखा है हमने। तो फंक्शन ऑफ थीटा फाई बराबर एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट समीशन में वैल्यू 2L प्लस 1 अपॉन के कॉस डेल्टा एल प्लस आइटा साइन डेल्टा एल, और बचा क्या है आपके पास में, साइन डेल्टा एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, आपने यदि प्रीवियस क्लास अभी तक देखी नहीं है ना तो वो क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं वो क्लासें, ठीक है, तो उन क्लासों को भी आप देख लीजिए। अब देखिए आपको क्या मिला है, फंक्शन ऑफ थीटा फाई मिला है ना, सॉरी। तो इसको हम दो पार्टों में देख ले, एक तो हम देखते हैं इसको रियल वाले पार्ट में देख लेते हैं, एक आपके पास है रियल एफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है, एफ थीटा कॉमा फाई बराबर, ये रियल के लिए जब हम देखेंगे तो आयोटा वाला तो इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, कॉस डेल्टा एल वाला, रियल तो यही है ना, कॉस डेल्टा एल और साइन डेल्टा एल का मल्टीपल हो जाएगा। तो लिख दो इसको आप कि समेशन एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट है 2L प्लस 1 और डिवाइड में आपका मिलेगा के, और यहां आपका है कॉस डेल्टा एल मल्टीप्लाई होगा साइन डेल्टा एल, ठीक है ना,
ये हमने कर दिया यहाँ से। और सेकंड आप देखिए इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा कॉमा फाई, इसको आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट किसका है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का है, जो क्या होगा बराबर होगा समीशन एल बराबर जीरो से यहाँ पे इनफाइनाइट है ना, टू एल प्लस वन डिवाइड में आपको लगाना है के। अब देखिए आप आयटा साइन डेल्टा एल और साइन डेल्टा एल तो साइन स्क्वायर डेल्टा एल, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको आप नाम दो समीकरण नंबर सेकंड, पहली समीकरण आप इसको बोल दो, एक सेकंड, चलो इसको समीकरण अभी एक भी नहीं बोली आपने है ना, तो इसको समीकरण एक बोल दीजिए आप ना, इसको समीकरण एक बोल दीजिए। यहाँ तक समझ में आया ना, मैंने कंपेयर किया है रियल और इमेजिनरी को और यहाँ पे लिख दिया है, ये हम फर्दर रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ तो आगे अब देखोगे आप, अब आपको क्या मिलेगा, देखिए रियल पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए इस पर कोई समीकरण हमने दी नहीं है, ओनली हमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए इसलिए इमेजिनरी पार्ट हमने फंक्शन ऑफ थीटा फाई जो आपका स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है उससे हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो, ये लिख लो वी नो डैट, वी नो डैट, आप क्या जानते हो जो टोटल क्रॉस सेक्शन है, टोटल क्रॉस सेक्शन, प्रीवियस क्लास में हमने टोटल क्रॉस सेक्शन को बताया था कि सिग्मा टी से इसको रिप्रेजेंट करते हो और फोर पाई डिवाइड में के स्क्वायर आता है, समीशन में एल बराबर जीरो से आप यहाँ पे इनफाइनाइट रेंज लिखते हो और टू एल प्लस वन और यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर डेल्टा एल, और ये क्या बनेगा यहाँ पे साइन डेल्टा एल, साइन स्क्वायर डेल्टा एल ही है ना, हाँ ठीक है, तो ये क्या बनेगा कि फोर पाई अपन के स्क्वायर एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल्टा एल, इसको बोलते हो आप टोटल क्रॉस सेक्शन, इसको इक्वेशन का नाम दो नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ जिससे कि आप इस वैल्यू को लिख सको, देखिए इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट किया मैंने कि सिग्मा टी बराबर ऐसा भी तो लिख सकता हूँ फोर पाई डिवाइड में इसको के लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समीशन हो जाएगा एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट और यहाँ पे क्या है टू एल प्लस वन अपॉन में क्या कर सकते हो इसको के कर सकते हो और साइन स्क्वायर डेल्टा एल कर सकते हो। अब देखो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली इक्वेशन नहीं है क्या, एल बराबर जीरो से इनफाइनाइट टू एल प्लस वन अपॉन के साइन स्क्वायर डेल्टा एल सेम है ना, तो यहाँ पे आप ये वाला मान रख सकते हो ना समीकरण एक से, देख लो तो यहाँ से ये मान आप रख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से जब ये मान रखोगे आप तो क्या बनेगा जो सिग्मा जो टी है ना आपका वो बनेगा फोर पाई डिवाइड बाई के और यहाँ पे आपका बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है, ये आपका बन गया। इसको समीकरण नाम दे दो भाई तीन, ठीक है, ये टोटल क्रॉस सेक्शन वाली को आप इस वाली को नाम दे दो, फिर आपकी सुविधा के लिए मैंने ये किया है ऐसा, तो इसको आप दो दे दो और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन एक से आपको ये मिल गया, ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहाँ तक आप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, रब कर देते हैं, समझ में तो आया ना ये क्या किया है, आ जाओ थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा ना, एक बार क्लास को फिर से देख लेना। तो देखिए अब आप जो आपको मिला है ना सिग्मा टी वो मिला है आपको फोर पाई डिवाइड में के इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ थीटा कॉमा फाई दिस, इसको समीकरण नंबर बोला आपने तीसरा, ठीक है, तो अब लिखो आप कि इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड ऑप्टिकल थ्योरम, इसी को आप क्या बोलते हो ऑप्टिकल थ्योरम बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि टोटल क्रॉस सेक्शन और स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों में आपको एक रिलेशन बताना है, भाई रिलेशन ये है, इसी को बोलते हो आप ऑप्टिकल थ्योरम। आगे लिखो विच ऑप्टिकल थ्योरम कॉमा
विच रिलेट, ये संबंध बताता है, विच रिलेट टोटल क्रॉस सेक्शन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्केट रिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, ये हो गया आपका स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। और इसमें क्या बता दिया इसने, रिलेशन बता दिया है। यहां तक आपका हुआ। अब इसका कंक्लूजन और लिख लीजिए, निष्कर्ष क्या निकला है। कंक्लूजन, ठीक है आ जाइए कंक्लूजन इसका देखते हैं। पहला कंक्लूजन जब हम देखते हैं कि स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी प्योरली रियल, इट एज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इट हैज ए पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड बात देखें आप, सेकेंड बात देखते हैं कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, जो आपका सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, वो क्या होता है, बराबर होता है ये एफ मोड का स्क्वायर, जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि मेजर करता है, मेजर ओनली मॉडुलस ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाउ एवर इस प्रकार बाई ऑप्टिकल थ्योरम वन कैन मेजर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, एक साथ बता दूंगा सभी को, है ना। आपको देखो जो सिग्मा टी मिला था ना टोटल क्रॉस सेक्शन, वो इस टाइप से मिला था कि 4π डिवाइड में आपको यहाँ पर के मिला था और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ थीटा कॉमा फाई, इस टाइप से। तो यहाँ से आप इमेजिनरी वाले पार्ट को निकाल लो, तो यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट को जब आप कैलकुलेट करोगे एफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है, ये बराबर क्या मिलेगा आपका, ये आपका के इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा ये के अपॉन 4π और यहाँ आपका सिग्मा टी, ऐसा इस टाइप से हो जाएगा। कर सकते हैं ना इसको मॉडिफाई इस टाइप से। अब देखो एच कट का मल्टीपल यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऐसा कर देता हूँ मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये तीसरे वाले में यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए तीसरे वाले में इसी में चल रहा है आगे, तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ आ जाएगा आपका एफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है बराबर। अब यहाँ पे मैं एच कट कर देता हूँ, देखो यहीं पे मैं लिख दूँ, आप लिख लेना आगे कि यहाँ पे मैंने एच कट का किया, इधर भी मैंने एच कट किया। आप जानते हो क्या होता है पी बराबर क्या होता है, आप ये तो जानते हो ना, चूंकि पी बराबर जो होता है वो तो आप एच कट के लिखते हो ना, यही तो आप पढ़ा था आपने मोमेंटम को, तो यहाँ से मैं पी लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन में 4π और क्या यहाँ पे एच कट और यहाँ सिग्मा टी। अब एक बात देखो आप,
डी ब्रोगली वेवलेंथ को जानते हो ना, जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा। कैसे निकालते हैं, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी विच अप्लाइड एट, यहां से आप इसको करोगे तो यहां आपको पी बराबर क्या मिल जाएगा, एच अपॉन लैम्बडा, ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पे पी की जगह आपको एच अपॉन लैम्बडा रखना है, ठीक है। यहां तक आपने किया होगा भाई, एक बार मैं समझा दूं पहले इसको कि स्केटरिंग जो एम्पलीट्यूड है वो कैन नॉट बी प्योरली रियल, वो रियल ही नहीं है, वो इमेजिनरी भी पार्ट अपने पास में रखता है, दोनों पार्टों को, रियल भी रखता है इमेजिनरी पार्ट भी रखता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेजिनरी पार्ट जाएगा तो उसको आप बोलोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा पार्ट है कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर मॉड ऑफ का स्क्वायर, ठीक है। जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर है, तो मेजर क्या करता है, ओनली मॉडुलस ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। हाउएवर इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल थ्योरम के द्वारा वन कैन बी मेजर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को हम कर सकते हैं जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का है। तीसरा क्या कहता है कंक्लूजन, कि सिग्मा जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो इमेजिनरी जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है उससे रिलेशन क्या है, 4 पाई अपॉन के इमेजिनरी एफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को निकाल सकते हो आप, फंक्शन ऑफ थीटा फाई को, कि के अपॉन 4 पाई सिग्मा टी। एच कट से मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, यहाँ पे इधर मैं एच कट से कर दूं कोई दिक्कत नहीं है ना, तो पी बराबर क्या होता है, एच कट होता है, तो इसलिए मैंने एच कट के की जगह पी लिख दिया है और ये कर दिया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप जानते हो, लैम्बडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी, तो पी को लिख सकते हो एच अपॉन लैम्बडा। अब आगे आ जाओ आप, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये तीसरा कंक्लूजन और देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना। आ जाओ अब देखो, यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट है ना, कि एफ थीटा कॉमा फाई है, ये बराबर क्या बन गया आपका, यहां आपका बन गया एच अपॉन 4 पाई एच कट और लैम्बडा, और यहां है आपका सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन। अब जो इमेजिनरी पार्ट है एफ थीटा कॉमा फाई, ये आपका प्रोपोर्शनल हो गया 1/λ के, ठीक है। अब देखो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है, इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया तीनों कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद एक बात तो लिख लीजिए आप, एक बात तो लिख लीजिए, ठीक है, एक बात आप लिख लीजिए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसमें, और आगे ये भी पूछ लिया आपसे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बहुत व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्या कहना चाहता था, किसकी हम बात कर रहे हैं, इसी वाले रिलेशन की हम बात कर रहे हैं जो आपको मिला था। तो यहाँ पे लिखिए आप, व्हेन स्केटरिंग अकर्स, जब जो स्केटरिंग की घटना है वो घटित तो होती है पार्ट ऑफ द एनर्जी कैरिड वाई इनकमिंग वेव इज रेडिएटेड इन ऑल एंगल्स, दिस एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनकमिंग वेव, द एनर्जी फ्लोइंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिड्यूस्ड एंड दिस
मॉडिफाई द स्केटरिंग एम्पलीटूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ भाई आ जाओ कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है आपको, जब ये स्केटरिंग की जो घटना घटित होती है बैन स्केटरिंग अकर्स पार्ट ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी का पार्ट है वो कैरियड क्या करता है, इनकमिंग वेव कैरियड करता है उसको, ठीक है, इज रेडिएटेड और वो रेडिएट किस में होता है, इन ऑल एंगल्स पे, दिस एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनकमिंग वेव, द एनर्जी फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिड्यूस्ड एंड दिस मॉडिफाई द स्केटरिंग एम्पलीट्यूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपको करना है भाई फिजिकल इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ आपका ऑप्टिकल थ्योरम। तो ऑप्टिकल थ्योरम में क्या किया था, सबसे पहले जो आपका टोटल क्रॉस सेक्शन है उसका हमने रिलेशन बताया था किससे, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड से, और स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उससे हमने किया था। कंक्लूजन में हमको पता चल गया कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, और हमने बाद में रिलेशन भी आपको बता दिए थे, ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन लो, बस ये काम आपका हो गया कंप्लीट ऑप्टिकल थ्योरम का, जैसे मैंने बताया ऐसा ही आपको एग्जाम में जाके करना है, ठीक है। अब एक बात सुन लो, जो कल आपका लेक्चर हुआ था जिसको हमने बोला था लेक्चर नंबर 5, वहाँ एक दिक्कत है आपको, मतलब वहाँ हमने टाइम की कमी की वजह से ये नहीं बताया था कि जो कंपेयर हमने किया था ना, हमने क्या किया था, कंपेयर ऑफ कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, और वो भी माइनस का, ठीक है, ये हमने कंपेयर किया था भाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, कहाँ पर किया था पता है ना, कल हम जब पढ़ा रहे थे आपको, तो यहाँ पे हम AL की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, ये AL की वैल्यू कैसे आएगी इसी को तो कैलकुलेट कर रहे थे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू को। आपके पास फंक्शन क्या था, ये था साई स्केटर्ड बराबर साई, यहाँ पे फाइनल था और माइनस का साई इनिशियल था, यहाँ पर स्केटर्ड वेव थी आपकी, ये फाइनल वेव थी, ये इनिशियल वेव थी, और ये इनके मान हमने रख दिए थे। उसके बाद में जो एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के आर है इससे हमने क्या किया था, कंपेयर किया था। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको आया था जब हमने किया था, इधर तो वो था ही नहीं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, तो वो तो जीरो हो गया। यहाँ पर क्या किया था हमने, समेशन एल बराबर जीरो से यहाँ इनफाइनाइट, ये 2L+1 था, अपॉन में यहाँ पर क्या था भाई 2 iota kr था, आयोटा की पावर L थी, यहाँ पर PL cos थीटा था, ठीक है, इतना था, और कोष्टक में आपको यहाँ पे मिला था माइनस का AL, याद आ रहा है ना कुछ माइनस का AL, पढ़ते नहीं हो यार, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे था माइनस का, यहाँ पर था आयोटा, ठीक है, इसकी पावर क्या थी आयोटा, ऐसा लिख लो आयोटा, और यहाँ पर था L π/2 और माइनस का डेल्टा L, और यहाँ पर था आपका प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा L π/2। ये हमने कंपेयर करके किया था। अब ये वाला जो पार्ट था ना आपका, इस वाले पार्ट को तो हम कंप्लीट किया, इसमें चले जाएगा जीरो में, ये पूरा कंप्लीट जो पार्ट है ये तो क्या चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचेगा अपने पास ये वाला पार्ट, इसको लेके चलो आप यहाँ पे, तो यहाँ ये आ जाएगा AL। अब देखो यहाँ पे इसको अलग अलग मैं लिख दूँ एक्सपोनेंशियल की टर्मों में, कि एक्सपोनेंशियल आयोटा यहाँ पे L π/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा L, और जो कि माइनस का, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस का डेल्टा L, समझ रहे हो ना यहाँ से। अब आ जाओ और प्लस क्या है आपके पास में, एक्सपोनेंशियल आयोटा L π और ÷2, और बराबर यहाँ पर क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आयोटा L π/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा L π/2, इसको कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्मों में से, तो यहाँ पे मिलेगा AL माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये ऐसा कर लो आप, इसको कॉमन ले लो एक्सपोनेंशियल आयोटा L π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का AL आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा L, और माइनस, और क्या बनेगा +1, यहाँ से क्या बनेगा +1, और बराबर में बनेगा जीरो, ठीक है। ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी भाई, ये भी जीरो में चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा अब आपके पास में, यहाँ आपका बचेगा कि माइनस का जो AL है एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा डेल्टा L है, और प्लस में 1 है, और बराबर जीरो है। अब आगे आप करोगे तो माइनस का AL
एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल और बराबर क्या बनेगा माइनस का वन। और ये माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, है ना। और ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ए एल बराबर वन अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल, यहाँ ये चला जाएगा इस टाइप से। अब आप इसको ए एल को आप कर सकते हो यहाँ पे सॉल्व कि ए एल बराबर क्या मिल गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आयोटा डेल्टा एल। यही तो चाहिए था कल आपको, इसी के लिए तो भागदौड़ हो रही थी। हो गई ना भागदौड़ पूरी, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ये एमएससी फाइनल का जो हमने रिवीजन बैच का ये टारगेट किया है आपका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।